तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, माय नेम इज नितिन कुमार और आप सभी का स्वागत है टेक हेल्प मास्टर चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को पीसी जैसा कैसे बना सकते हैं और कंप्यूटर की तरह कैसे चला सकते हैं। तो ऐसा आपको पीसी जैसा लुक देने के लिए, पीसी जैसा चलाने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है विंडोज 7। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे वहां से इंस्टॉल करके अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर की तरह बना सकते हैं। तो कैसे बनाना है तो आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को इसको बिल्कुल मत करना, और अगर अभी तक हमारे टेक हेल्प मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करते रहें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहे। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो उस एप्लीकेशन को हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन से वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, और जैसे ही आप इस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल फ़ोन का लुक होगा वो एकदम चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी तो हमारा लुक मोबाइल का ऐसा लुक है इस तरीके से। आप जैसे ही इस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे आपका लुक बिल्कुल ही मोबाइल फ़ोन का चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन को पीसी जैसा बना सकते हैं, और चलाना कैसे है वो भी आज बताएंगे। तो अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के एप्लीकेशन को ढूंढना चाहते हैं कि कौन से एप्लीकेशन, जैसे आप यूट्यूब चलाना चाहते हैं तो आपको प्रोग्राम वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको सभी आपके अपने मोबाइल फ़ोन के एप्लीकेशन मिल जाएंगे। तभी आपको यहाँ पर जो भी आप एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन करना चाहें वो ओपन भी कर सकते हैं। और नीचे जो विंडो वाला ऑप्शन, आप तो आपको यहाँ से ये बटन से बैक नहीं जाना है, आपको पीसी जैसा लुक देख सकते हैं एक्स वाले बटन को क्लोज करके यहाँ से जा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर गैलरी में जाना है तो नीचे ये विंडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपनी गैलरी को ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। बहुत ही काफ़ी अच्छा दोस्तों ये एप्लीकेशन है। और फिर विंडो वाले ऑप्शन पर जाएंगे, अपने व्हाट्सएप को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो भी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़े, अगर आप कोई एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम वाले ऑप्शन में आप लोगों को जाना होगा। आपको दिखा देते हैं एक बार आसान तरीके से। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम वाले ऑप्शन में जाएंगे, अभी एक मिनट हम लोग आप लोगों को दिखा देते हैं। ये आपको प्रोग्राम वाला ऑप्शन दिख जाता है इस तरीके से, एक बार हम दिखा देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर आपको ये प्रोग्राम वाला ऑप्शन दिख जाता है, इस पर क्लिक करेंगे जब तो आपके जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन के एप्लीकेशन होंगे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ से आसानी से उन्हें देख सकते हैं। तो ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ से अगर इसे बैक लेना है तो ऊपर एक्स वाला बटन दिख जाता है कंप्यूटर की तरह, यहाँ से इसे कर सकते हैं, हटा सकते हैं और मिनिमाइज भी कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जैसे कि आप कॉन्टेक्ट अपने मोबाइल फ़ोन के नंबर को किसी के पास मिलाना चाहते हैं तो ये फ़ोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप जिसके पास कॉल करना चाहें यहाँ से आपको मिल जाएंगे। सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ से आसानी तरीके से मिल जाएंगे और अपने मोबाइल फ़ोन को एक कंप्यूटर की तरह लुक दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं ऊपर एक कंप्यूटर वाला आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप अपने फाइल में जाना चाहें तो फाइल में लोकल डिस्क डी सिप लोकल डिस्क डी पर क्लिक करेंगे, जितनी भी आपकी मोबाइल फ़ोन की फाइलें होंगी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, सेम बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है। आप ऊपर यहाँ से एक्स वाले बटन पर क्लोज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन को एक पीसी जैसा लुक दे सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, हमारी लिंक के डिस्क्रिप्शन के थ्रू। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो ज़रूर कर लेना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की आपको वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, चलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों को।